आदाब। हेलो फ्रेंड्स, आज हम तैयार करेंगे शकरकंदी, जिसके बहुत ही फायदे हैं, बहुत मुफीद है सेहत के लिए और नवरात्र स्पेशल एपिसोड है। जरूर हमारे तरीके से तैयार करिएगा। चलिए फटाफट तैयार कर लेते हैं शकरकंदी को। हमने शकरकंदी ले लिए, जिसको हमने 4 से 5 विसल दी कुकर में, इसको उबाल लिया पानी डाल के। जैसे आप आलू उबालते हैं सेम वैसे ही उबाल लेना है। 4 से 5 विसल दीजिएगा, बहुत आराम से अच्छे से ये गल जाएंगे। देखिए कितनी इजीली ये टूट जा रहा है, इतना अच्छा से हमने इसको गला लिया है। उसके बाद आप इसको पानी से निकाल लीजिए, उस पानी में छोड़िएगा नहीं, वरना बहुत ज़्यादा पिचपिची और हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा गल जाएगी। तो उस तरह से हमें नहीं चाहिए, इस तरह से हमें साबुत चाहिए। ठीक है, उसे आप निकाल लें, छील लें, इस तरह से आप काट लें। शकरकंदी के बहुत फायदे हैं, इसमें हर तरह का विटामिन, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन सी, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसमें हर चीज़ मिलेगा। आप जब बस नाम लें और वो इसमें मिलेगा। तो ये बेहद ही मुफीद, बहुत ही फायदेमंद है, इसको हमें खाना चाहिए। जब भी ये सीज़न में आए इसको रोज़ खाएं, तो हमारी बॉडी को जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो इससे हमें पूरा होगा। तो उसको हम थोड़ा चटपटा बनाएंगे। इसमें हम डालेंगे काला नमक, आप इसमें सेंधा नमक भी डाल सकते हैं। ये मैंने लिया है ज़ीरा, चाट मसाला। ये मैंने लिया है इमली का पल्प, इमली का गूदा। इमली को मैंने थोड़ी देर गर्म पानी में भिगो दिया, उसको मसल लिया हाथों से और उसको फिर छान लिया, तो ये हमारा पल्प तैयार है। तो थोड़ा सा इसको हम डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल लीजिए। अगर आप ये नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं। इसको एक मिक्स दे देते हैं। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। तो अच्छे से सारे मसाले इसमें कोट हो गए हैं। आप इसमें चाहें तो तंदूरी फ्लेवर दे सकते हैं, कोयले का फ्लेवर आप दे दें, जो ठेले वाले होते हैं इसको भून के देते हैं तो बहुत जायका आता है। तो इसमें 2 कोयले मैंने दहकते हुए रख दिए। इसमें थोड़ा सा ऑयल या घी कुछ भी आप डाल दीजिए और इसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से ढक दीजिए। फिर इसको मैं दिखाती हूँ इसके हम और क्या चीज़ें इसमें डालेंगे, कुछ और इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको मैं दिखाती हूँ। 5 मिनट हो गए, हम देख लेते हैं, उसको निकाल लेते हैं। कुछ अनार के दाने इसमें डाल देते हैं, थोड़ी मूँगफली डाल देते हैं और दोबारा से इसको एक मिक्स दे देते हैं। शकरकंदी हो चुकी है तैयार। आप इस तरह से बढ़िया सी चटपटी शकरकंदी खिलाएं और खाएं और इसके फायदे उठाएं। नवरात्र स्पेशल एपिसोड है, आप इसको बनाइएगा ज़रूर और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए तो अगली बार मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए शैलाज दस्तरखान।